नौ चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। नौ चाहते हुए भी उसे दारू पीनी पड़ी। नौ चाहते हुए भी सबको बस की बात माननी पड़ी। नौ चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा ये। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहां पर हम फ्रेजेस करते हैं नौ चाहते हुए? चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनविलिंगली, अनविलिंगली। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है अनविलिंगली, इसके बाद एक छोटा सा कमा यूज करके लिख देनी है कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो सेंटेंस को फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नौ चाहते हुए भी मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू डू दिस जॉब अनविलिंगली। आई एम हैविंग टू डू दिस जॉब अनविलिंगली। नौ चाहते हुए भी सबको बॉस की बात माननी पड़ी। एवरीवन हैड टू अग्री विथ बॉस अनविलिंगली। एवरीवन हैड टू अग्री विथ बॉस अनविलिंगली। नौ चाहते हुए भी उसे दारू पीनी पड़ी। ही हैड टू टेक वाइन अनविलिंगली। ही हैड टू टेक वाइन अनविलिंगली। नौ चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा ये। आई हैड टू डू दिस अनविलिंगली। आई हैड टू डू दिस अनविलिंगली। नौ चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। सी हैड टू टाई द नॉट अनविलिंगली। सी हैड टू टाई द नॉट अनविलिंगली। नौ चाहते हुए भी मैं उसके साथ रहता हूँ अनविलिंगली। आई लिव विथ हिम अनविलिंगली। आई लिव विथ हिम।